नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट VLSR-SAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेके। इसके बारे में पहले भी कई बार खबर आ चुका था कि भारत की तरफ से अभी बैरक 1 सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए अपनी खुद की शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था, जिसे हम हमारे नेवल प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऐसा करने के लिए DRDO की तरफ से एक कम्प्लीटली नई मिसाइल को डेवलप करने के बदले अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, जिसमें अस्त्र मिसाइल की मेन एयरफ्रेम को इस्तेमाल किया गया और बाद में इसकी जो थ्रस्टर सेक्शन था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था ताकि इसको सिर्फ से लॉन्च किया जा सके। और जिस तरीके से MRAM मिसाइल को बेस करके NSAM सिस्टम को डेवलप किया गया था, लगभग वैसे ही अस्त्र मिसाइल को बेस करके वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था। अभी इसको लेके एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि आज ओडिशा तट से VLSR-SAM का एक सफल परीक्षण किया गया और इसे इस बार किसी लैंड बेस्ड लॉन्चर से नहीं बल्कि एक नेवल शिप से फायर किया गया था। फिलहाल इसको कौन सी वॉरशिप से फायर किया गया था तो बताया नहीं गया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसे हमारी राजपूत क्लास के किसी डिस्ट्रॉयर से फायर किया गया था, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं। अभी VLSR-SAM आगे चल के इंडियन नेवी की स्टैंडर्ड क्लोज रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाली, जो कि एयरक्राफ्ट से लेके दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का काम करने वाला है। और आज के इस टेस्ट के दौरान इसको एक हाई स्पीड एरियल टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट को DRDO की तरफ से पूरी तरीके से सफल बताया गया, जिसमें इस मिसाइल ने अपने टारगेट को डायरेक्टली इंटरसेप्ट कर दिया था। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके। एक दिन पहले हमने भारत की फ्यूचर एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें GTRE और सफरान के बीच जो जॉइंट डेवलपमेंट के अंदर एक एरो इंजन को बनाने का प्लान चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल इस इंजन को बनने में और इसको प्रोडक्शन के लिए क्लियर होने में कम से कम 7 साल का टाइम लग जाएगा, लेकिन इसी बीच भारत अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप कर रहा है और स्पेशली एमका की जो इनिशियल वर्जन होने वाले उसमें पहले से ही इंडिजिनस इंजन के बदले फॉरेन मेड जल इलेक्ट्रिक की 4-on-4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, क्योंकि जब तक हमारी इंडिजिनस इंजन तैयार होगा उससे काफी पहले हम लोग एमका को डेवलप करने वाले और टेस्ट करने वाले हैं और साथ ही इसकी Mk1 वर्जन को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाले। तो इस दौरान एमका के लिए जो सबसे सुइटेबल इंजन ऑप्शन था वो जल इलेक्ट्रिक की F414INS6 इंजन था, जिसे F-18s में इस्तेमाल किया जाता है और ये करीब 98 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है। अब हालांकि हमें 110 किलोटन की थ्रस्ट की जरूरत है, लेकिन मार्केट में अभी इस स्टैंडर्ड की इंजन मौजूद नहीं था, तो मजबूरन हमें अभी 110 किलोटन की इंजन के बदले एक 98 किलोटन के इंजन को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और आगे चल के इसको हमारी इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। लेकिन जब भारत 110 किलोटन क्लास के एक इंजन की तलाश कर रहा था, तभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी F414INS6 इंजन की एक मॉडिफाइड वर्जन को डेवलप कर लिया गया था, जिसे वो पहले से ही भारत को ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहते थे, जिस वजह से भारत उस वक्त US के साथ मिलकर इस इंजन को जॉइंटली डेवलप करना या मैन्युफैक्चर करना नहीं चाहता था। लेकिन अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया जा रहा है कि वो इसे भारत को तेजस MK2 और एमका Mk1 वर्जन के लिए ऑफर करना चाहते हैं। ये इंजन 2025 के बाद प्रोडक्शन के लिए क्लियर हो जाएगा। ये इंजन करीब 116 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एमका या फिर तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अभी भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को F414INS6 इंजन की लगभग 99 यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से 12 यूनिट पहले ही भारत को डिलीवर किया जा चुका है और इनको आगे चल के तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा और एमका की जो इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया जाएगा उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर भारत यहाँ पर F414INS6 इंजन के बदले इसकी अपडेटेड वर्जन यानी कि F414G400 सीरीज की इंजन को खरीदता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये इंजन सिर्फ बेहतर थ्रस्ट ही नहीं देते बल्कि बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने वाले। तो यहाँ पर अगर तेजस MK2 की प्रोडक्शन वेरिएंट्स के लिए और एमका की Mk1 वर्जन के लिए ऑर्डर किए जाने वाले F414INS6 इंजन के बदले अगर इस नए इंजन को ऑर्डर किया जाता है, तो ये एक बहुत ही सुटेबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये इंजन बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह काम करने वाला, यानी कि जिन एयरक्राफ्ट में F414INS6 इंजन लगा हुआ था या लगने का प्लान बनाया गया था उसमें बिना किसी मॉडिफिकेशन के इस नए इंजन को लगाया जा सकता है।
भारत अभी कम से कम 40 एमका की मॉक कन्वर्जन को अपनी सर्विस में शामिल करने वाला है, जिनको पावर करने के लिए हमको इनिशियली 80 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। और जब इनके लिए भारत ऑर्डर को प्लेस करेगा तो वहां पर F414INS6 इंजन के बदले अगर F414G400 सीरीज के इंजन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो ये भारत के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। अब आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जब से ड्रोन थोड़े बहुत पॉपुलर हुए हैं उसके बाद ये भारत के लिए बहुत ही बड़े खतरा बन रहे हैं, क्योंकि इनको अभी सुरों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि भारत में हथियार वगैरह स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपने साथियों तक हथियार को पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको लेके VSF की तरफ से बताया गया था कि अभी चाइनीज एग्रीकल्चर ड्रोन जिसे सुअर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ी चिंता का कारण बन गया, क्योंकि VSF को भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर की एक बहुत ही बड़ी लाइन को कवर करना पड़ता है और सुअर लोग कहां से ड्रोन को घुसपैठ कराने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम जो ड्रोन पंजाब सेक्टर में पाए जाते हैं ये हथियार नहीं बल्कि ड्रग्स वगैरह कैरी करते हैं और एक तरीके से इनको पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स को स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हालांकि VSF के पास अभी एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है, लेकिन VSF का कहना है कि उनको अभी जितनी बड़ी एरिया को कवर करना है उनके ऊपर नजर रखना पड़ रहा है, उसके मुकाबले उनके पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है बहुत ही कम है। तो उस वजह से उनको क्या करना पड़ता है कि इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोकेशन में ड्रोन्स की एक्टिविटी होने की खबर मिलती है तो उनको इन एंटी ड्रोन सिस्टम को वहां पे ले जाकर डिप्लॉय करना पड़ता है, और ये एक प्रॉपर प्रोसेस भी नहीं है जहां पर हम बार बार अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम को रिलोकेट करते रहेंगे। और VSF के मुताबिक अभी VSF के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बस 10% से भी काफी कम है, और इस वजह से रेगुलर बेसिस पर मैन्युअली हमारे सोल्जर्स को ड्रोन एक्टिविटी को चेक करना पड़ रहा है, लेकिन जो स्मॉल साइज के ड्रोन्स होते हैं इनको रात में स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अभी VSF का कहना है कि उनको सफिशियंट मात्रा में एंटी ड्रोन सिस्टम को प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो पूरी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में हो रही सभी ड्रोन एक्टिविटी को रोक सके। इसके अलावा अभी सर्विस में जिन नए एंटी ड्रोन सिस्टम को भी इंडक्ट किया गया था इनमें भी कई खामियां निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि कुछ सर्टन अल्टीट्यूड पर अगर ड्रोन फ्लाई करते हैं तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम इनको पकड़ नहीं पाते, और इसको लेके एक रिपोर्ट को भी रेस्पेक्टेड कंपनीज को सप्लाई किया जा रहा है जिनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। अगला अपडेट आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को लेके। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तब हमारी जो मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट हुआ करते थे वो सभी के सभी बोर्डेड सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे भारत में भी डिफेंस इक्विपमेंट को बनाना शुरू किया जा चुका है और अभी इंडिजिनस सिस्टम को सर्विस में शामिल किया जा रहा है और हर साल इनकी परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की तरफ से अभी लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में कुछ फॉरवर्ड लोकेशन पर मेड इन इंडिया इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल ऐसे व्हीकल को इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया था, और जब से चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ था तब से आर्मी की तरफ से हमारी अलग अलग इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को लद्दाख रीजन में टेस्ट किया जा रहा था, जो कि मल्टीपल इंडियन कंपनीज की तरफ से डेवलप किए जा रहे थे। इसमें से हाल ही में सुनने को मिला था कि टाटा की WHAV व्हीकल को आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया था और इसी साल अप्रैल में लिमिटेड नंबर में इनको आर्मी को डिलीवर किया गया था। अभी तक इन व्हीकल को लगभग पूरे भारत में अलग अलग ट्रेन में टेस्ट किया चुका है और इसको लगभग 2018 से आर्मी की तरफ से टेस्ट किया जा रहा था और सभी टेस्ट को क्लियर करने के बाद इनको आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया था, और अभी NI की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इनको फाइनली लद्दाख में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।